दोस्तों स्वागत है आपका मशीन हंटर एडवांस के एक नए एपिसोड में। ये हम आपको दिखाएंगे कि आखिर बचपन से लेकर आज तक इस्तेमाल किए जाने वाले घरेलू चीजों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, क्योंकि जिस डिश सोप से हम घरेलू बर्तनों की सफाई करते हैं क्या उसे फैक्ट्री में सफाई से बनाया जाता है, और जिस रसगुल्ले को हम बड़े चाव से खाते हैं क्या उसे बनाने में हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज हम इन सभी फैक्ट्रियों का टूर करते हुए इनके काले सच को जानते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है डिश सोप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों डिश सोप का इस्तेमाल किचन के बर्तनों को चमकाने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ लोग घर के कई चीजों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कार सबसे टॉप पर आता है। हालांकि इसे कार धुलने से कार का पेंट खराब हो सकता है, और यदि आपने कोई प्रोटेक्टिव वैक्स कोटिंग करवा रखी है तो वो भी निकल सकता है। इसीलिए डिशवॉश से कभी कार वगैरह नहीं धुलना चाहिए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से ड्रम को ओपन करके सलरी को बाल्टी में निकालते हैं, जिसमें 90% सल्फ्यूरिक एसिड होती है जो बर्तनों से कीटाणुओं को मारकर अच्छे से क्लीन करती है। फिर इसका वेट मीटर करके मार्बल पाउडर को मिक्सर मशीन में डालते हैं। दोस्तों यही पाउडर डिश सोप का मेन इंग्रेडिएंट होता है। वैसे दोस्तों मार्बल पाउडर की जगह दूसरे मटेरियल का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ये कम लागत और वाटर में इजीली सॉल्यूबल होने के कारण इसी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसमें स्लरी डालकर फोम बूस्टर को डालते हैं जो सोप में झाग बढ़ाने का काम करती है। अब इसमें सोडियम सिलिकेट को डालते हैं जो बर्तनों से चिपचिपापन को रिमूव करता है। फिर इसे कलरफुल बनाने के लिए हरे रंग का कलर डालकर फ्रेग्रेंस को डालते हैं जो सोप में खास स्मेल लाता है। वैसे दोस्तों इसमें लेमन फ्लेवर ही ऐड किया जाता है। अब फाइनली इसमें वाटर डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है ताकि सभी इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर जब ये कलरफुल हो जाती है तब इसमें पॉलीमर लिक्विड को डालते हैं जो सोप के अंदर बाइंडिंग को बढ़ाती है ताकि सोप जल्दी से ना पिघले। अब इस मिक्स हुए मटेरियल को बाहर निकाल कर एक जगह इकट्ठा करते हैं और एक वर्कर द्वारा बास्केट में रख कर एक्सट्रूडर मशीन में डालते हैं, जहाँ इसे पतले रास्ते से निकाल कर विम बार का शेप दिया जाता है। और फिर इसे फिक्स लेंथ में कटिंग करके कटर मशीन पर रखते हैं, जहाँ पीछे से दबाव देकर छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे विम बार अपने खास शेप और साइज में आ जाता है। अब बारी आती है पैकिंग की, जहाँ विम बार को कन्वेयर बेल्ट पर रख कर मशीन को स्टार्ट करते हैं, जिससे एक एक करके विम बार मशीन के अंदर जाती है और आगे लगा पॉलिथीन इसे लपेट कर छोटे छोटे पार्ट में कटिंग कर देती है, जिससे रेक्टेंगुलर शेप का विम बार बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों यही विम बार को यदि सर्कुलर शेप में बनाना हो तो रॉ मटेरियल के मिक्सचर को एक्सट्रूडर मशीन में डालकर गोलाकार रास्ते से निकालते हैं। फिर इसे मशीन से अलग करके एक फिक्स लेंथ में कटिंग करते हैं और इसे छोटे छोटे पीस में कटिंग करके प्लास्टिक बॉक्स में डालते हैं और स्टैंपिंग मशीन से दबाव देकर कंपनी का लोगो लगाते हैं। अब इसमें स्क्रबर डालकर बॉक्स को क्लोज करते हैं, जिससे आपका सर्कुलर डिश सोप पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। अब नंबर दूसरे पर आता है रसगुल्ले मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों शादी और विवाह में लोगों को पानी पिलाने के लिए अक्सर रसगुल्ले बढ़ते हैं, जिसे लोकल हलवाई 1 से 2 दिनों में तैयार करते हैं, लेकिन आज हम लाखों रसगुल्लों को केवल कुछ ही घंटों में बनते हुए दिखाएंगे। हाँ भाई, आपको इम्पॉसिबल सा लग रहा होगा, मगर हम रसगुल्ले फैक्ट्री में ले जाकर इन सब चीजों को लाइव होते हुए दिखाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हजारों लीटर दूध को रोटेटिंग वेसल में डालकर 90 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, जिसे फॉर वार्मिंग कहा जाता है। फिर इसे दूसरे यूनिट में भेज कर इसमें फटे हुए दूध का पानी डालते हैं, जिसे दूध फट जाता है। फिर छेना को कपड़े में डालकर पानी को अच्छे से अलग करते हैं। अब इसे अच्छे से साफ करने के लिए पानी में 2 से 3 बार डुबाकर बाहर निकालते हैं और कपड़े को एक जाली नुमा सरफेस पर रख कर दबाव देते हैं ताकि पानी कपड़े से निकल कर जाल रास्ते बाहर चला जाए। अब बारी आती है इन छेना को लड्डू जैसा गोल बनाने की, जिसके लिए छेना को पोशनिंग मशीन के हुपर में डालकर पतले रास्ते से बाहर निकालते हैं और नीचे लगा कटिंग मशीन इसे छोटे छोटे पीस में कट कर देती है और आगे लगा हैंड प्रेसिंग मशीन छेना को गोल गोल करके लड्डू जैसा बना देती है। अब इसे एक ट्रे में इकट्ठा करके चाशनी को तैयार करते हैं, जो पानी, चीनी और इलायची से बना होता है। फिर गोल हुए छेना को उबलती हुई चाशनी में डालकर कुछ समय तक घुमाते हैं और जब छेना ऊपर तैरने लगे तो उसे बाहर निकालकर चेक करते हैं। फिर चाशनी को बाल्टी से दूसरे कंटेनर में निकालकर उसमें छेना को डालते हैं और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए गुलाब जल डालकर कुछ समय तक छोड़ देते हैं ताकि गुलाब जल रसगुल्लों में भी चला जाए। अब इसे एक खास मशीन में डालकर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं ताकि रसगुल्लों में फंगस बैक्टीरिया ना लगे और रसगुल्ले लंबे समय तक खराब ना हो। अब बारी आती है पैकिंग की,
जिसके लिए स्टील कैन को दूसरे मशीन में डालकर स्टरलाइज करते हैं, जो हॉट स्टीम से जेटिंग करके कैन में मौजूद जर्म्स और बैक्टीरिया को मार देते हैं। फिर रसगुल्लों को सभी कैन में डालकर ऊपर कैप रखते हैं और कैप सीलिंग मशीन से दबाव देकर ठंडे पानी में डालते हैं, ताकि रसगुल्ले तुरंत ठंडा हो जाए और कैन के ऊपर लगा चाशनी भी साफ हो जाए। अब नंबर तीसरे पर आता है डिटर्जेंट पाउडर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आज के भाग दौड़ की जिंदगी में अक्सर लोगों को अपना काम करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक जाना ही पड़ता है, जिस कारण लोगों के कपड़े भी गंदे होते हैं। उन्हीं कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट पाउडर को सबसे बेहतर माना जाता है, जिसके मदद से कपड़ों पर जमा जिद्दी मैल आसानी से साफ हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, डिटर्जेंट पाउडर को फैक्ट्री में बनते हुए देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले सल्फोनिक एसिड को प्लास्टिक टब में निकालकर वेट मेजर करते हैं। दोस्तों, सल्फोनिक एसिड कपड़ों का सरफेस नरम करके जिद्दी दाग को निकालती है। फिर इसमें पानी डालकर इसके गाढ़ापन को घटाते हैं, क्योंकि सल्फोनिक एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर कपड़े को काट सकता है, जिससे कपड़ा जल्दी खराब हो जाएगा। अब अगले स्टेप में प्लास्टिक टैंक से शैम्पू बेस निकालकर टब में डालते हैं और इसमें वाटर ऐड करके अच्छे से मिक्स करते हैं। दोस्तों, शैम्पू बेस का वर्क डिटर्जेंट में झाग बढ़ाना होता है। फिर सोडियम को मिक्सर मशीन में डालकर उसमें लाइट सोडा एस को डालते हैं, जो कम पानी में भी कपड़े को आसानी से धुल कर जिद्दी दाग को हटाती है। फिर इसके ढक्कन को क्लोज करके 10 मिनट तक मिक्स करते हैं। उसमें शैम्पू बेस और सल्फोनिक एसिड को डालते हैं और इसे डिजायर कलर देने के लिए इसमें कलर ग्रेन्यूल्स डालकर सारे पाउडर को स्ट्रेनर मशीन में पलट देते हैं। जहाँ इसे अच्छे से घुमाकर जाली नुमा रास्ते से बाहर निकालते हैं, ताकि इसमें मौजूद छोटे बड़े कंकड़ छन जाएं। अब बारी आती है टेस्टिंग की, जिसके लिए एक बाल्टी में पानी डालकर उसमें डिटर्जेंट पाउडर को घोलते हैं और ये आधे बाल्टी में कितना झाग बना रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसके क्वालिटी का पता लगाते हैं। और फिर पाउडर को कंपनी के पैकेट में फिलिंग करके सीलिंग मशीन से सील करते हैं, जिसे आपका डिटर्जेंट पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इन तीनों फैक्ट्री में किस चीज का वीडियो सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।